अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली इलाके के गांव बाईखेड़ा में बीती 15 मार्च को खड़गवंशी समाज के दबंग युवकों द्वारा पीट पीट कर दीपचंद की हत्या के मामले में आज प्रजापति समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और गिरफ्तारी न होने की सूरत में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि इसे हल्के में न लिया जाए क्योंकि अब हम मजबूर होकर चुनाव बहिष्कार करने के लिए अपने समाज के लोगों से एकजुट का अनुरोध भी करेंगे। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली इलाके में आने वाले बाईखेड़ा गांव में बीती 15 मार्च को 22 वर्षीय दीपचंद की गांव के कुछ युवकों ने मामूली से विवाद में पीट पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से हत्या आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से प्रजापति समाज में नाराजगी है और प्रजापति समाज के अलग अलग संगठन पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव बनाने में लगे हैं। प्रजापति समाज के लोगों के साथ मौजूद बजरंग दल के नेता ने कहा कि दीपचंद की हत्या के आरोपियों को हसनपुर की भाजपा विधायक महेंद्र खड़गवंशी बचा रहे हैं क्योंकि वे उनकी बिरादरी के हैं, लेकिन हम चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आरोपी जल्द गिरफ्तार ना हुए तो हम लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पूरा प्रजापति समाज लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालेगा। बलराज सिंह प्रजापति जी बताएं। मैं भारतीय प्रजापति शिल्पकार महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम प्रशासन को खुली चुनौती देते हैं। प्रशासन इस भक्की माने दे और हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की हमें कहीं हद तक जाना पड़े प्रशासन इस बात को न सोचे। अगर हमें किसी प्रशासन के मुंह तोड़ जवाब देने की हमें जरूरत पड़ी और सरकार के खिलाफ जाने की जरूरत पड़ी तो हम जा सकते हैं और प्रशासन और सरकार हमें दबाव में न ले और किसी एक विधायक के नेता के दबाव में आकर प्रशासन झुका हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें आवश्यकता पड़ी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज को इकट्ठा करके पूरे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हम इस बात का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी दिखा देना चाहते हैं। हमें इस बात का एहसास न कराए चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे देश की केंद्र की प्रदेश की सरकार हो, हम उसको चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं। अगर किसी आईएएस आईपीएस का बेटा होता तो 24 घंटे के अंदर पूरी सीटों से निकाल लेती, उसके घरों को तोड़ देती। हम चैलेंज करते हैं और हम देखना चाहते हैं 24 घंटे का एसोसिएशन पुलिस अधीक्षक महोदय ने दिया है हमें। देखिए आज जो बाईखेड़ा में घटना 15 तारीख को जो मर्डर किया गया था, जो निर्मम तरीके से हत्या की गई थी हमारे प्रजापति समाज के, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। आप हमने ज्ञापन दिया है उनकी गिरफ्तारियों की मांग के लिए, जिसमें एसपी साहब ने जो है 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन में गिरफ्तारी नहीं होगी तो प्रजापति समाज सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा, उसके लिए सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बताइए वाला मामला क्या है। 15 तारीख को 15 मार्च 2019 को प्रजापति समाज के एक बालक दीपक की हत्या कर दी गई। एफआईआर नेम्ड एफआईआर भी 6 व्यक्तियों के खिलाफ कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति दबाव में आने के कारण मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इससे पूर्व भी माननीय एसपी महोदय को हम ज्ञापन दे चुके थे, आज भी हमने ज्ञापन दिया है। माननीय एसपी महोदय ने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर मुलजिम गिरफ्तार हो जाएंगे और मैं भी वहां जाऊंगा और वहां का मुआयना करूंगा। उस जवाब से संतुष्ट होकर आज हम पुनः अपने घरों पे जाएंगे और शांति व्यवस्था जैसे बनाए। अभी एसपी साहब को पिछले 3 दिन पहले भी हमने अल्टीमेटम दिया था, हमारे समाज के लोग आए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज 3 दिन के बाद भी प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है और मुझे लगता है भाजपा के जो विधायक हैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी, उनके दबाव में मुझे लग रहा है सारा काम हो रहा है क्योंकि पुलिस काम ही नहीं कर रही है। 3 दिन पहले भी एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया था, उसके भी कोई आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और आगे भी हमें लग रहा है कि प्रशासन के दबाव में कोई कार्रवाई होने वाली दिख नहीं रही है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।